Hey guys, welcome back to my channel and I'm super excited to share another Nykaa haul. But remember, you don't have to buy everything that I show you in this video. जरूरी नहीं है कि सभी चीज आपको धड़ाधड़ ले ही लेनी है. मेरी तरह मत करना, क्योंकि मुझे तो हॉल करने होते हैं एंड मुझे नीड भी होती है, क्योंकि मुझे मेकअप करना होता है, मुझे वीडियो बनाने होते हैं, तो मुझे नीड होती है. मेरे पास कितना भी मेकअप होगा ना, मुझे ऐसा ही लगेगा कि कम है. बट आपको स्मार्टली आपको अपनी शॉपिंग करनी है, जिसकी भी आपको नीड हो वही आपको लेना है. तो ये वाला जो नायका हॉल है, इसे मैं करूंगी अपने टेडी बेयर के साथ, बिकॉज मेरे पास ना कोई सा बैकग्राउंड नहीं होता गाइस. मतलब मेरे घर में ना, मतलब मेरे घर में तो मेरा स्पेसिफिक एक रूम है. अच्छा है कि मुझे रूम दे दिया है एंड थैंक्स मॉम डैड मुझे रूम देने के लिए. तो बेसिकली क्या है कि मेरा जो रूम है, रूम की होती है चार दीवारें, और चार दीवारें मेरी भरी हुई है, पूरी भरी हुई है. एक साइड बेड है, एक साइड सोफा है, एक साइड अलमारी है, टेबल है. बचती है ये एक दीवार जिसमें मैं पता नहीं चलता मैं कैसे क्या सेट करूँ. तो फिर मैं ऐसे ही रहने देती हूँ. मेरे हर वीडियो में आप देखना, मेरी सिर्फ ये वाइट दीवार आ रही होगी. बट बहुत जल्दी कुछ ऐसा आइडिया लगा के मैं बैकग्राउंड कुछ सेट करूंगी. बट अभी आज मुझे इतना खाली लग रहा था ना, तो फिर मैंने इसको बिठा दिया. सो ये वाला नायका हॉल ये भी हमारे साथ करेगा, है ना. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये इन साइड की लिपस्टिक की जो पैकेजिंग है ना, वो बहुत ही अलग लगी थी, बहुत ही यूनिक लगी थी. देख सकते हैं लिपस्टिक जो कुछ इस तरीके से आती है, एंड इसकी पैकेजिंग इस तरीके की है. सीरियसली पैकेजिंग मुझे बहुत अलग लगी, क्यूट लगी. एंड ये इतनी सी ही है, मैंने रेड कलर में मंगवाई है. यहाँ से ये ऐसे ओपन होती है एंड यहाँ पे आपको ब्रश दिया जाता है. मैं जितनी भी डिटेल्स है उसे स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो आप उसे चेकआउट जरूर से कर लेना. मुझे इसकी पैकेजिंग भी अच्छी लगी, ये वाला शेड भी मुझे अच्छा लगा, एंड प्लस में ये इनसाइड की थी, यानी कि बजट फ्रेंडली तो होगी ही. सो दैट्स व्हाई मैंने इसको ऑर्डर किया है. एंड ये बहुत ही अच्छी है एंड आने वाली नवरात्रि के लिए बेस्ट है. बजट में है तो गो फॉर इट. सो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किए हैं स्विस ब्यूटी के ये फेक आईलैशेस. इससे पहले जब मैंने गणेश चतुर्थी का लुक किया था, उसमें मैंने इसे यूज करा हुआ है. तो आप मेरे पहले के वीडियोस में या फिर शॉर्ट्स में देख सकते हो. बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड अच्छी खासी लेंथ है, अच्छी खासी इसमें ग्रोथ है. मतलब बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम लगेगा आपको, बहुत ही नेचुरल लगेंगे. इसे आप ट्राई कर सकते हैं. उसके बाद मैंने बाय किए हैं स्विस ब्यूटी के मेकअप ब्रशेस. मुझे ब्रश लेने थे अच्छे से, एंड इसको भी मैंने यूज कर लिया. आप देख सकते हैं इससे मैंने ब्लश लगाया था और ये वाला भी मैंने यूज कर लिया. ये मैंने कल ही किए हैं यूज, बहुत ही अच्छे हैं. फेस पे ना बहुत ही ऐसे मक्खन की तरह आपकी हर एक प्रोडक्ट को ये ब्लेंड करेंगे, नेचुरल लुक देंगे. ये बहुत ही सॉफ्ट है. पहले ब्रशेस मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तो मैंने इससे कल ऐसा ब्लश अपना अप्लाई किया था. तो आई लव इट. अगर आपको बजट में अच्छे से मेकअप ब्रशेस चाहिए तो आप डेफिनेटली ले सकते हो. तो इसमें आपको 6 ब्रश मिलते हैं, सभी के सभी बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड बहुत ही सॉफ्ट है. स्किन पे बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगे, डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हैं. उसके बाद मैंने बाय की है लव अर्थ की ये सारी लिपस्टिक्स, और ये जितने भी शेड है वो सारे न्यूड शेड्स हैं. एंड मैं आपको दिखाती हूँ इसे ओपन करके, आप देख सकते हैं. एंड ये सारे के सारे शेड आप डेली वेयर में आराम से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कुछ ओवर कर दिया है. एंड ये वाली जो लिपस्टिक है, इसी में से मैंने अपनी एक अप्लाई करी हुई है, आई थिंक ये वाली अप्लाई की हुई है, आप देख सकते हैं. और ये बहुत ही कंफर्टेबल है. अगर आपको ऐसे न्यूड शेड्स बहुत ही पसंद है तो आप ये वाला पूरा सेट मंगवा सकते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं. इसमें और भी शेड्स अवेलेबल है, सो आप चेकआउट जरूर से कर लेना. सो नेक्स्ट मैंने बाय किया है नायका के वाला कॉम्पैक्ट पाउडर. नायका के प्रोडक्ट्स भी बहुत ही अच्छे आते हैं, सेकेंड टाइम मंगवा रही हूँ, आप देख सकते हैं. ये भी डेली वेयर के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है. इसमें आपको मिरर मिल जाता है, स्पॉन्ज मिल जाता है, एंड यहाँ पे मिरर और यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छे से लॉक करता है आपके कंसीलर को एंड फाउंडेशन को. आप बजट में कोई कॉम्पैक्ट पाउडर ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसे जरूर से ट्राई कर सकते हैं, ट्रस्ट मी. और ये मेरा फेवरेट है और इसमें सेकेंड टाइम बाय कर रही हूँ. तो उसके बाद मैंने ऑर्डर की थी ये वाली आई शेडो पैलेट, और ये रहने की है. एंड इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कलर्स में. इसमें मेरे शेड है फेयरलेस पिंक, ये वाले शेड्स मैंने मंगवाए हैं. शिमर शेड भी 2-3 मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं. ये वाला जो शिमर शेड है ना, थोड़ा ऐसे ये ऐसे ही इसी हालत में मुझे रिसीव हुआ है, बट शेड जो है बहुत अच्छे है. बहुत लाइट शेड मैंने इस बार पिक किए हैं, क्योंकि नवरात्रि के लिए ये वाली पैलेट जो है वो बेस्ट रहेगी. इसमें कलर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो आपको जो भी कलर चाहिए आप उसे पिक कर सकते हैं. सो नेक्स्ट आई पिक्ड अप दिस परफ्यूम फ्रॉम बेला विटा. इट्स फ्रेग्रेंस इज रियली अमेजिंग, दैट्स व्हाई आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस. इसमें आपको बेसिकली 4 परफ्यूम जो है वो आपको रिसीव होते हैं. सो पहला जो है वो रोज वुमन है, ये मेरा फेवरेट है. सेकेंड जो है वो ग्लैम वुमन है. थर्ड वन जो है वो है सेन्योरिटा वुमन है. फोर्थ वन जो है वो डेट वुमन है. जिस तरीके से इसके नामकरण हुए है ना,
उसी तरीके से इसकी जो स्मेल है वो भी उतनी ही अच्छी है। अगर आप डेट पे जा रहे हो तो आप ये वाला लगा सकते हो, पार्टी में जा रहे हो तो आप सेनोरिटा वाला ट्राई कर सकते हो, डेली कहीं पे भी ऑफिस पे या कहीं जा रहे हो तो आप ग्लेम वाला यूज कर सकते हो, रोज वाला जो है वो आप ऐसे ही कर सकते हो यूज घर पे या कहीं कहीं पे भी। सो अगर बात करें कि इन चारों में से मुझे पर्सनली कौन सा अच्छा लगता है तो मुझे सेनोरिटा वुमन वाला बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही अच्छी है, मैं मतलब खो जाती हूँ। इट्स बिकम मस्ट हैव टू मी। एंड ये वाले परफ्यूम आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, सो यू गाइज हैव टू ट्राई इट एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ, इट्स ट्रूली मैजिकल। नेक्स्ट आई बाय दिस इनसाइड का प्राइमर, आप देख ही सकते हैं, और ये बहुत ही छोटू पैकेट में मैंने मंगवाया है बिकॉज प्राइमर मेरे पास इतने सारे हैं ऑलरेडी। एंड ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, पोर्स को ब्लर आउट करता है, स्किन को थोड़ा लाइट करता है, आपके मेकअप को ब्लैक नहीं होने देता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है, मेकअप जो है उसका स्टे पावर बढ़ जाता है। प्राइमर मस्ट है, ये वाला तो डेफिनेटली बजट में है, इनसाइड का है, अच्छा भी है, डेफिनेटली इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। नवरात्रि के लिए मस्ट है वो प्रोडक्ट हो तो ये वाला, बिकॉज कभी भी हम कोई भी हेयर स्टाइल करते हैं ना, तो जैसे कि अभी देख लो मेरे, देखो बाल जो है ना वो ऐसे ऐसे हो रहे थोड़े ऊपर ऊपर, क्योंकि प्रॉपर ऐसा बैठते नहीं है ना बाल, तो आई डोंट नो इस प्रॉब्लम को क्या बोल। सो ये है उसका सॉल्यूशन, ये है हेयर फिनिशिंग स्टिक, ये मैंने फर्स्ट टाइम ही बाय किया है, एंड ये वर्क करती है या नहीं करती मैंने इसको ट्राई नहीं किया है। सो जब मैं इसे ट्राई करूंगी ना तब मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ट्राई करके ही बता सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी चैनल पे कभी भी ऐसा कुछ धड़ाधड़ नहीं बोल देती हूँ कि ये ले लो वो ले लो ये ले लो वो, कुछ बेचने थोड़ी ना बैठी हूँ मैं। अगर मुझे पता होगा अच्छा है तभी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ले लो, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस बार मैंने स्विस ब्यूटी का ये इल्यूमिनेटर जो है उसे बाय किया है, मुझे अपने मेकअप के बेस के लिए कुछ अलग इस बार चाहिए था। इसको आप फाउंडेशन के साथ भी मिक्स कर सकते हो, ये आपकी स्किन में ना एक ग्लोई इफेक्ट डालता है, आपकी स्किन को ऐसे चमक मारती है आपकी स्किन, और नवरात्रि के लिए मुझे ऐसी चीजें तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने अभी जो आगे के मेरे वीडियो है इसमें मैंने इसे यूज कर लिया है, और ये बहुत अच्छा है, इससे आपका बेस जो है वो बहुत ही ग्लोई इफेक्ट आपको लगेगा। एंड अगर आपको फाउंडेशन में इसको मिक्स करके अप्लाई करना है ना तो भी आप कर सकते हो, तो आपका फाउंडेशन भी एकदम ग्लोइंग हो जाएगा, थोड़ा मतलब ऐसे चमकेगी, ऐसा चमकेगी आपकी स्किन। सो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हो। एंड अगर इसका आपको वर्क देखना है कि कैसे वर्क करता है, इसके पहले के मेरे मेकअप वीडियो में जाना जहाँ पे मैंने गणेश चतुर्थी का लुक क्रिएट किया है, उसमें मैंने पहले इसे ही अप्लाई किया है, देन मैंने अप्लाई किया था के ब्यूटी का फाउंडेशन, और वो वाला मेकअप बहुत ही ग्लोइंग आया था इसका इफेक्ट। सो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैंने जेल लाइनर जो है वो ऑर्डर की है, इसको भी मैंने अभी यूज नहीं किया है, ये है मेबेलिन की, तो आप देख सकते हो, और ये इतनी सी ही है। इसके साथ आपको ये एक ब्रश दिया जाता है छोटा सा, जिससे आप ऐसे लगा सको। उसके बाद लास्ट की जो दो चीज बची है वो एक साथ ही दिखा देती हूँ, लिफ का ट्रांसपेरेंट मस्कारा, बट इसे मैं आईब्रोज पे भी यूज करती हूँ, बिकॉज दोनों पे आप इसे यूज कर सकते हो, ये आपके बालों को बिल्कुल भी हिलने नहीं देता है, और अच्छा सा वॉल्यूम मिल जाता है आपके बालों में, तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कभी ऐसा है कि मस्कारा नहीं लगाना है या फिर आईब्रो पे आईब्रो पेंसिल का यूज नहीं करना है, तो उस केस में आप इसे यूज कर सकते हैं, तो नेचुरली बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड देन नेक्स्ट मैंने बाय किया है स्विस ब्यूटी का वाला लिप बाम, लिप बाम, और ये है किस कैंडी, एंड ये मेरा फेवरेट है, इसे मैं सेकेंड टाइम बाय करी हूँ, एंड ये चेरी वाला फ्लेवर है, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, तो आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हो। इससे पहले मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है वो ट्राई किया था, वो बहुत अच्छा लगा था, सो इस बार मैंने चेरी वाला फ्लेवर ट्राई किया है, तो ये भी बहुत अच्छा है, आपके लिप्स को बहुत ही हाइड्रेट रखता है। एंड या सो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे और भी वीडियोस आप तक पहुंचे, एंड आप मेरा कोई भी वीडियो मिस आउट ना करें। एंड ये था आज का नायका हॉल, सो कमेंट करके जरूर जाना कि कैसा लगा, एंड अगर किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए कुछ भी चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसमें भी आंसर कर दूंगी। सो आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।